up in 5 hours. If his average speed during first 120 kilometer is 40 kilometer per hour, or what is the average speed during the remaining part of the journey? कितना आंसर है इसका? नेहा बताइए तो. नेहा, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है? आवाज नहीं जा मिल रहा. अ पर्सन कवर 300 किलोमीटर बाय हिज कार इन 5 आवर्स. एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 120 किलोमीटर इज 40. तो एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी. नैन्सी, कितना आंसर आएगा? सर ये क्वेश्चन नहीं बना है मेरे से. ओके. तो ये क्वेश्चन कृष्णनंदन शुक्ला बताइए कितना आंसर आया? सर हम भी नहीं बनाए सर. अच्छा आप लोग बनाए नहीं? बनाए हैं सर. 90 आ रहा है. यस सर 90 आ रहा है. मेरा भी 90 आ रहा है. मतलब ये समझ नहीं आया सर. अच्छा क्वेश्चन क्लियर नहीं है? क्लियर है सर. आयुषी समझाओ. हमको नहीं समझ आया सर. क्वेश्चन समझाओ तो आयुषी. कुछ लोगों को डाउट्स हो रहा है क्वेश्चन में, तो थोड़ा क्वेश्चन समझाओ तो. आवाज नहीं मिल रहा. नैन्सी क्वेश्चन समझाओ तो. की दूरी जो है 120 किलोमीटर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सही नहीं है. रौनक क्वेश्चन बताइए. हाँ सर. हाँ बताइए सर. एक आदमी 300 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में अपने कार से, ठीक है. अगर उसका पहला 120 किलोमीटर वो 40 किलोमीटर के स्पीड से जाता है, तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है मतलब जो बाकी का 180 किलोमीटर है वो कितने के स्पीड से जाएगा? कैसे सॉल्व होगा? तो सर इसको नॉर्मल वाले से बनाएंगे कि सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस ऊपर हो जाएगा 300 और उसके नीचे आ जाएगा 120 बाय 40 प्लस 180 बाय x, और वो इज इक्वल टू में सर आपका 60 किलोमीटर पर आवर जो कि एवरेज स्पीड है वो जो टोटल है. गुड. एवरेज स्पीड हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है. तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम और यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ही दिया हुआ है 300 और इसको कितने आवर में? 5 आवर्स में. तो 300 बाय 5 इज इक्वल टू, ठीक है, यहां भी 300 होगा क्योंकि 120 है पहला तो दूसरा 180 या तो सही है, लेकिन 120 जा रहा है किस स्पीड से? 40 के स्पीड से. तो क्वेश्चन कह रहा है 180 किस स्पीड से जाएगा. यही है. किसी को प्रॉब्लम? एक्स कितना रहा? 90. यस सर. यस सर. तो ये सब कटने वाला है. ऊपर में भी देखो ये 300 और 300 कैंसिल, या 60 कर देते वो भी होता. तो 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 180 बाई एक्स, और 2x इक्वल टू 180 तो x इक्वल टू 90. तो यहाँ आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस. अच्छा ये क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व करते
जब बताओ ना ये एवरेज स्पीड है उसका 60। सब लोग सोचो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते और जवाब देना होता, लॉजिक लगाना होता तो 300 किलोमीटर है। अब 5 आवर्स है तो यानी एवरेज स्पीड हो गया 60। यस सर। अब 120 जा रहा है मात्र 40, उससे भी एवरेज से कम स्पीड में, तो जो रेस्ट होगा उसको एवरेज से ज्यादा स्पीड में जाना होगा। ये तो लॉजिक है, तभी तो जाकर के 60 होगा। हाँ सर। 120 एवरेज स्पीड है उसका 60 और 120 जा रहा है 40 के स्पीड से, तो जो रेस्ट बच गया उसको उस 60 से ज्यादा, तो एबीसीडी तो नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करते, आंसर तो नन ऑफ दिस हो ही जाता। और कॉन्फिडेंटली कि हाँ सर नन ऑफ दिस होगा, सर आंसर तो 90 होगा ही। क्लियर है सबको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ सर आ गया सर। यस सर। यस सर। ओके, तो आंसर होगा ई, नन ऑफ दिस। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी है। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेवल 650 किलोमीटर इन 5 आवर्स और अनदर 940 किलोमीटर इन 10 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? मोहन जी बताइए कैसे बनेगा? एक एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो इसमें तो दिया ही है सर। टोटल एक डिस्टेंस दिया है आपको 650 और एक डिस्टेंस दिया है 940, ऊपर दोनों ऐड कर एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं ना? जी सर। जी सर, दोनों टाइम ऐड कर देंगे और दोनों डिस्टेंस ऐड कर देंगे। 650 प्लस 940 कर दे और नीचे कुछ नहीं करना था, टाइम दिया ही हुआ है, 10 प्लस 15 और उसके बाद 10 आवर्स। अच्छा यहाँ पे 100 सेकंड। अच्छा इसको सिंपलीफाई ऐसे भी तो कर ही सकते हैं ना कि 650 बाय 5 से इसको भाग दे दो और प्लस का साइन दे दो और 940 से 10 को डिवाइड कर दो, 0 0 यहाँ कैंसिल है, 5 से ये कट जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? नेहा बताइए तो, कोई दिक्कत नहीं सर? दूसरा मेथड से तो ज्यादा आ रहा है सर, जितना आना चाहिए। मैंने जिससे पूछा वही बताइए। नेहा यस सर, 650 को 5 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो 940 को 10 से, कोई प्रॉब्लम? फिर एवरेज कैसे निकलेगा इसका? तो एवरेज स्पीड तो निकाल ले, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो ऊपर टोटल डिस्टेंस है नीचे टोटल टाइम है। हम लोग कैलकुलेशन सिंपलीफिकेशन की बात कर रहे हैं। यस सर। 650 को 5 से भाग दे सकते हैं कि नहीं? आ दोनों जगह प्लस है तो प्लस रहे, तो 940 को 10 से भाग कर दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते, लेकिन सर एवरेज वाले में तो फिर 2 से डिवीजन करना होता था ना दोनों को, फिर आप समझ गया, निक्की कर सकते हैं या नहीं? नहीं सर। नहीं सर। शशि बताओ। सर ये एवरेज थोड़ी है। हाँ सर कर सकते हैं, लेकिन बाय 2 कर देंगे ना। नहीं ऊपर तो टोटल टाइम है ही, नीचे सॉरी टोटल डिस्टेंस है ही, नीचे टोटल टाइम है ही, भाग दे दिया। मैं जो पूछ रहा हूँ वो सोचो, 650 को 5 से भाग दे देंगे, 940 को 10 से, ऐसे भी तो सिंपलीफाई कर सकते हैं ना। नो सर। समीर सर तो आगे भी आगे ऐसे सिंपलीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 650 को 5 से, 940 को 10 से डिवाइड कर दो, जोड़ दो, जोड़ के फिर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना सर? नहीं नहीं, बाय 2 क्यों करेंगे? बाय 2 वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एवरेज स्पीड में बाय 2 कहां पढ़े हम लोग? एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैं आप लोगों को कंफ्यूज करा रहा हूं और आप लोग कॉन्फिडेंटली जवाब दो। और सब लोग कंफ्यूज भी हो रहा है। हां सर, बाय 2 नहीं होगा सर, सिर्फ टोटल टाइम को पहले ऐड करेंगे, फिर टोटल डिस्टेंस को पहले, टोटल टाइम को बाद में। जो मैं बोल रहा हूँ उसी को सुनो ना, 650 को 5 से भाग दे दिया, 940 को 10 से, फिर जोड़ दिया। सर तो नहीं हो सकता सर, आप जो बोल रहे हैं सर, एवरेज स्पीड में नहीं है सर, तुमको भी नहीं मालूम है। चलो आयुषी तुम बताओ। आयुषी
अरे अभी तक दोनों में से कोई आईएससी ज्वाइन नहीं किया दीप। सर आज तो बहुत कम लोग हैं सर, 14 लोग ही है आप सब, बाकी लोग घूम सर नहीं, क्या सर नहीं होगा ऐसे, हम सर अरे क्यों मेरे नहीं होगा, लग रहा है कैसे छह होगा सौ सर, पच अरे जो मैंने ब्रैकेट सर में घेरा है तो उसमें कहाँ दिक्कत है। एवरेज फिर कैसे निकलेगा वो नहीं समझ आ रहा ना यहाँ से, तो इस फिर अगर टोटल ये तो डिस्टेंस वाइज फिर ये टाइम हुआ ना। मैं कंफ्यूज जो करा रहा था वो ये कि मैं जो बताना चाह रहा था कि 650 को 5 से या 940 को 10 से कभी भाग नहीं देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन का ये रूल कभी नहीं होता है, जब ऊपर में दो टर्म है तो दोनों को पहले ऐड ही करेंगे, नीचे को दोनों को ऐड ही करेंगे तब डिवाइड करेंगे, इसलिए। और मैं सबों को ये कंफ्यूज करा रहा था जो काम कभी नहीं करना कि 650 को 5 से 940 को 10 से भाग दे करके दोनों को ऐड कर देना, ये काम कभी मत करना। क्लियर? चलो आंसर बताओ कितना है। 106। चलो ठीक है, 106 सर। अगला क्वेश्चन 29। एक कार 35 की यात्रा 45 मिनट में तय करती है, शेष एंड कवर द रिमेनिंग 69 किलोमीटर इन 75 मिनट्स। कार का औसत गति सर वही है 52 किलोमीटर पर आए। अश्विनी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ पे ये क्वेश्चन फंस रहा है? सर इसमें सर कह रहा है कि एक कार जो है 35 किलोमीटर यात्रा तय करता है 45 मिनट में, और जो जिस शेष बचे बचता है वो 75 मिनट वो 70 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करते हैं। ठीक है ठीक है, औसत गति पूछ रहा है। तो सर यह औसत गति पूछ रहा है सर, एवरेज और स्पीड। नहीं तो क्वेश्चन फर्स्ट कहां पे रहा है ये? मोहन वर्मा बताइए क्वेश्चन कहां फंस रहा है। सर कहीं नहीं फंस रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस ऊपर का प्लस कर देंगे बाई में टोटल टाइम प्लस करके डिवाइडेड बाई सिक्सटी सर, सिक्सटी इसमें एक ही चीज करेंगे क्वेश्चन में सर, केवल मिनट में है उसको आवर घटा में देंगे बाकी सर, सब मिनट को बाकी आवर सब में बदल लेना है। वेरी गुड कि सर मिनट में डिसीजन को आवर बदल दे, आवर बाकी में सब बदल दे, नॉर्मल। हो गया। मैं जो बोलना चाह रहा था अब समझ में सबों को आ गया? आ गया समझ में अश्विनी? मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है, और बाकी जो है ऑप्शन वो किलोमीटर पर आवर में है। तो सर ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो ऊपर कर लीजिए, तो कितना हो गया 35 प्लस 45, सॉरी ये 69, 35 है और दूसरा क्या है 69, और नीचे टाइम जो है वो 45 मिनट है और प्लस 75 मिनट है, तो ये डिवाइडेड बाय ये होल डिवाइडेड बाय पहला काम इसको एक साथ कर लोगे, होल डिवाइडेड बाय 60, या 5 9 14, 1 3 4 6 10, 104 बटा 120 गुना 120 60, 52 किलोमीटर 52 किलोमीटर। 52 जो मैं पूछना चाहता कि सर हाँ क्वेश्चन तो कुछ नहीं है लेकिन सर वो ऑप्शन जो है वो किलोमीटर पर आवर में, यानी मिनट को केवल आवर में बदल लेना है, और जब अलग अलग डिस्टेंस है तो कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। तो अगला क्वेश्चन 30। ऋषिकांत एक यात्रा में प्रथम 20 मिनट की यात्रा 30 के स्पीड से, दूसरा 30 मिनट की यात्रा 50 के स्पीड से, और 1 घंटे की यात्रा 50 के स्पीड से, और 1 घंटे की यात्रा 60 के स्पीड से तय करता है, तो औसत वेग क्या होगा? सचिन बताओ क्वेश्चन क्या करना पढ़ होगा। रहे हैं सर, हाँ अभी तो क्वेश्चन पढ़ रहा है, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था। सर कल हम नहीं ये कुछ कर पाए थे, कल एक रिलेटिव क्या चले गए थे सर। सुरभि मेरा ये नहीं बना है, आप लोग सर पढ़ते हैं इसमें घर सर पे? 20 मिनट में जो सुरभि मैं जान रहा हूं कि तुम अगर सॉल्व करती तो तुमसे सॉल्व हो जाता, मेरे को आप यस सर लोगों का बट लेवल भी पता टाइम है। एंड डिस्टेंस मुझे समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए थोड़ा भी नहीं आता है तो मैं छोड़ देती हूँ।
नहीं समझ में आ रहा है सर? आ रहा है नहीं, सर, आ तो 20 मिनट में रहा है सर। 10 किलोमीटर सर, 30 मिनट में 25 किलोमीटर, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर 1 घंटे में। ओके ओके निकी सर, ये इसमें बनेगा सर, 3 एवरेज जो स्पीड है ना, क्वेश्चन नहीं करेंगे। नहीं नहीं अभी पढ़ लिया सर। अभी पढ़ने से क्या होगा? निक्की बताओ सर, ये हमसे भी नहीं बना है। ओ अच्छा, तो है समीर। यस सर बताइए। सर ये नहीं बना सर मेरे से। अच्छा आज कुछ है क्या? आज बहुत लोग अभी तक गायब है सर, रक्षाबंधन कहाँ है? नहीं है, रक्षाबंधन में पता नहीं सर। वैभव सर को कॉल तो किया, वैभव सर पिक ही नहीं किए कॉल। वैभव नहीं है, सौम्या नहीं है, उसके बाद दोनों आयुषी नहीं है, मुस्कान अभी ज्वाइन की। हाँ आज का वीडियो नहीं बन रहा है उसका, बना दीजिए ना सर। नहीं यस सर, इतना लेट आएगी तो कैसे? मंदिर गई थी क्या? झूठ मत नो बोलना सर, झूठ मत बोलना। नो सर, सर झूठ बोल कर आप सुन तो लेके नहीं जा रहे। चलो ठीक है, कृष्णा बताया और रौनक एक्सप्लेन कीजिए कि ऋषिकांत जो है एक यात्रा में सर प्रथम 20 मिनट की यात्रा 30 की स्पीड से जा रहा है, और हम लोग क्या जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। प्रथम 20 यहां पे सर सिर्फ टोटल डिस्टेंस सर निकाल लेंगे सर, वो टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो पहले टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे, फिर एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है? हाँ सर, लेकिन डिस्टेंस नहीं मालूम। हाँ सर, तो डिस्टेंस निकालने के लिए सर पहले वाले में 20 मिनट जाता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो सर उसको 20/60 × 30 कर देंगे तो उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। वेरी गुड, सही है कि हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेंगे, और डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहले वाले का क्या हुआ? 20 मिनट एट द रेट ऑफ 30, तो 20 है मिनट में है, तो 20/60 कर दिया एट द रेट ऑफ 30, फिर सेकंड वाले में 30/60 × 50 कर देंगे, दूसरा में 30/60 × 50 कर देंगे इनटू 50 है। हाँ सर 50, और तीसरे में सर उसमें 1 आवर ही है तो 1 × 50 सर, 3 ही है, 4 है सर, 4 है, 4 है सर, अच्छा 4 है, हम 3 ही किए। मोहन जी इसके बाद क्या करें? टाइम कहाँ हासिल है सर? टाइम तो दिख रहा है सर, 1-1 घंटा 2 घंटा, और इधर 20 मिनट, और इधर 30 मिनट, 50 मिनट, 2 घंटा 50 मिनट डी, और 2 घंटा तो 2 घंटा रहेगा, 50 मिनट / 60, 50/7 नहीं तो प्लस 1 नहीं, ये एस जी सर, जी सर, हाँ ऐसे ही सर। नेहा समझ में आ रहा है? यस सर। ऊपर में हो गया टोटल डिस्टेंस और नीचे टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो स्पीड इनटू टाइम, सब जगह स्पीड इनटू टाइम कर दिया। और अब ये था कि जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम मिनट में है, तो यहाँ पे 20/60 कर लिया, तो 20/60 × 30, 30/60 × 50, और ये 1 × 50 क्योंकि ये आवर में ही था, तो आवर को आवर, जब आवर में है ही तो कुछ चेंज ही नहीं करना है, ये भी आवर में ही था। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना है। ऊपर वाला कितना आ रहा है? 145 सर, 145 डिवाइडेड बाय 17 बाय 6 17 बाय 6
दैट इज 145 इंटू 6 बाय 17 यस सर 51.18 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर दैट इज 51.18 किलोमीटर पर आवर बोलिए सबको क्लियर है सचिन क्वेश्चन क्लियर है यस सर क्लियर है अगला क्वेश्चन अच्छा एवरेज स्पीड में हम लोग देखे थे क्या कि टोटल डिस्टेंस बाय डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री बहुत सारा अगर डिस्टेंस है तो डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री ये देखा था उसके बाद yes. उसके बाद फॉर इक्वल डिस्टेंस फॉर इक्वल डिस्टेंस में भी हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर एक्स और वाई किलोमीटर पर आवर है तो एवरेज स्पीड इसका होगा 2y 1 by x plus 1 by y या बता दिया था कि इसी को आप चाहो तो लिख दो 2xy by x plus y yes, sir. इसमें बताया था कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मान लो एक्स वाई जेड किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम लोग एवरेज स्पीड यहाँ पे लिख सकते थे 3y 1 by x plus 1 by y plus 1 by z ये लिख सकते थे तो क्या यहाँ पे इसको 3xyz divided by x plus y plus z लिख सकते हैं क्या यस सर कभी नहीं लिखेंगे सर xy होगा xy plus yz plus zx Okay. अगर ये कभी नहीं मैं जानबूझ के ऐसा लिखा कि दो वाले में याद रहता है x plus y तो एग्जाम में जल्दी से हम लोग क्वेश्चन सर तीन वाला है अच्छा 3xy ऊपर कर दिया 3xyz divided by x plus y plus z और सोचते कि क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया सही है लेकिन हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ xyz का जब LCM लोगे तो xyz आएगा और तब जा करके ये हमारा ये xy होगा और ये yz होगा और ये zx होगा अगर ऐसे लिखना है तो ये लिखेंगे बट इस रास्ते नहीं जाना दो वाले के लिए इस रास्ते से जाना बाकी सब में कैलकुलेशन लेंदी होता जाएगा तो केवल दो वाले के लिए जाना तीन वाले के लिए भी देखा चार वाले के लिए भी देख लिया था चार में क्या था अगर हम लोग पी क्यू आर एस लिए थे किलोमीटर पर आवर तो एवरेज स्पीड क्या था चार बटा वन बाई P plus 1 by Q plus 1 by R plus 1 by S ये हम लोगों ने देखा था ऐसे ही पांच के लिए होता छह के लिए होता लेकिन हम लोग एक चीज और नहीं देखे थे कि फॉर इक्वल टाइम अगर टाइम इक्वल है टाइम इक्वल का मतलब होता है हम पहले 20 मिनट पहले 20 मिनट 40 के स्पीड से जा रहे हैं अगला 20 मिनट 50 के स्पीड से जा रहे हैं फिर नेक्स्ट 20 मिनट 80 के स्पीड से जा रहा है तो व्हाट विल बी एवरेज स्पीड तो पहला 20 मिनट अगला 20 मिनट नेक्स्ट 20 मिनट या पहले एक घंटा फिर अगला एक घंटा फिर अगला एक घंटा या फर्स्ट 45 मिनट 30 के स्पीड से अगला 45 मिनट 70 के स्पीड से ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है स्ट्रेस क्या है इक्वल टाइम तो इक्वल टाइम के केस में मान लो फॉर फर्स्ट फॉर इक्वल टाइम में देखें इन फर्स्ट 25 मिनट एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट नेक्स्ट 25 मिनट एट द रेट ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है उसके बाद भी रहता तो भी आंसर तो क्या होता है मान लो अगर x किलोमीटर पर आवर है
और दूसरा y किलोमीटर पर आवर है, तो पता है एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा x प्लस y बाई टू। यस सर। और अगर तीन तीन टाइम मान लो x, सॉरी स्पीड है x y z किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? तो एवरेज स्पीड हो जाएगा x प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाय 3। कब? अगर टाइम सेम है, इक्वल टाइम में जा रहा है, या अलग एक और देख ले, अगर चार चार है, मान लो p है, q है, r है, s है किलोमीटर पर आवर, तो वैसे केस में एवरेज क्या होगा? नीचे नहीं लिखी है, नहीं दिख रहा है। चल यहाँ तक मैं दिख गया। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर इक्वल टाइम, ध्यान क्या देना है, इक्वल टाइम अगर एक x किलोमीटर पर आवर था और दूसरा y किलोमीटर पर आवर था, तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो गया? x प्लस y डिवाइडेड बाय 2। और अगर एक x किलोमीटर पर आवर है, दूसरा y किलोमीटर पर आवर है, और तीसरा z किलोमीटर पर आवर है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो तीनों का सम x प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाय 3। और अगर तीन क्या चार चार हो, x हो, y हो, z हो, हो और ये सब किलोमीटर पर आवर है और एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो क्या करते हैं? x प्लस y प्लस z प्लस p डिवाइडेड बाय 4। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ये केस कब? फॉर इक्वल टाइम। इक्वल टाइम। ओके ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये पढ़िए, विल अ मैन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ वी वन एंड वी टू, हिज एवरेज स्पीड इज 5। इक्वल डिस्टेंस अगर जा रहा है, वी वन और वी टू इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या बताए थे? फॉर इक्वल डिस्टेंस वी वन प्लस वी टू बाय टू क्या हो जाता? एवरेज स्पीड वी वन इनटू वी टू, टू इनटू 2b1 into b2 by b1 plus v1 plus v2, और ये बराबर कितना? Plus b2 equal to 5. तो क्या हो गया कि एवरेज स्पीड आया आपका 2 into v1 into v2 divided by v1 plus v2, और ये is equal to given है कितना? 5। अगेन या यही पे लिखे, फॉर इक्वल टाइम क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक व्यक्ति समान दूरी भी वन और भी टू किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल 5 है, लेकिन वह समान समय में इन दूरियों को तय करता है, तो उसका औसत चाल 9 है। यानी जब फॉर इक्वल टाइम, तो क्या लिखे यहां कि एवरेज स्पीड हो जाता एवरेज बी वन प्लस नाइन इक्वल टू भी वन प्लस भी टू डिवाइडेड बाई टू। इससे क्या मिलेगा? भी वन प्लस भी टू इक्वल टू 9 × 2 = 18। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे कि 2 इंटू भी वन इंटू भी टू डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू 5, और इसको सॉल्व किया तो भी वन इंटू भी टू आ गया कितना? तो 18 5 जा 90, कितना रहा? 45। बोलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? पहले क्या कहा कि फॉर इक्वल इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस था, तो हम लोग क्या किए फॉर इक्वल डिस्टेंस, देखो इक्वल डिस्टेंस के लिए हम लोग ये काम किए कि 2 इनटू v1 इनटू v2 बाय v1 प्लस v2 5, ये किस चीज के लिए था? तो इक्वल डिस्टेंस के लिए। और फिर क्या था
अगेन फॉर इक्वल टाइम, इक्वल टाइम के लिए क्या था तो एवरेज स्पीड हो जाएगा 9 इक्वल टू वी वन प्लस वी टू बाई टू। इससे हमारा वी वन प्लस वी टू आ गया 18। इसके बाद वाला फिर यहाँ पे आ गया तो एवरेज स्पीड क्या हो गया 2 इंटू वी वन इंटू वी टू बाई 18 इज इक्वल टू 5, तो वी वन वी टू 45 आ गया। और फिर हम लोग इसके बाद वी वन और वी टू सोच करके भी बता सकते हैं, क्या सोचेंगे कि सर दो संख्या ऐड करने पे 15 और 3 और मल्टीप्लाई करने पे 45, तो एक आएगा 15 और दूसरा आएगा 3, 15 और 18 और 15 गुणा 3 45। तो हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो 15 और 3 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस डिफरेंस पूछ रहा है। 15 में से 3 घटा दो, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। चले अगला क्वेश्चन पढ़िए। व्हेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस पी वॉकिंग एट 4 एंड 5, तो हाउ मेनी किलोमीटर विल दे बी अपार्ट एट द एंड ऑफ 4 आवर्स। देखो अगर हम लोग देखें आज फिर कि रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड का ही हिंदी होता है या तो सापेक्ष चाल या आपेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड में अगर एक भी वन किलोमीटर पर आवर है और दूसरा V2 किलोमीटर पर आवर है, तो यहां क्या देखना पड़ता है कि क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इनका डायरेक्शन सेम है तो देखो दो स्पीड को एक स्पीड में बदलना रिलेटिव स्पीड होता है, दो स्पीड को एक स्पीड में बदलना रिलेटिव स्पीड। अगर दो स्पीड है, एक V1 और V2 दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है और दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों अगर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, तो ऐसे केस में रिलेटिव स्पीड होगा एक्स माइनस वाई किलोमीटर, या तो एक्स नहीं है तो वी वन माइनस वी टू किलोमीटर बराबर। और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, अपोजिट हो तो रिलेटिव स्पीड होगा वी वन प्लस वी टू किलोमीटर बराबर। अब ध्यान दें सेम डायरेक्शन, मान लो ये ए से बी की ओर जाना है, यह है ए और जाना है बी, तो दो पर्सन अगर एक साथ स्टार्ट करते हैं अलग अलग स्पीड से, इसका स्पीड है मान लो 5 किलोमीटर पर आवर और इसका 4 किलोमीटर पर आवर, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाया, इस दो स्पीड को एक स्पीड में जो बदलेंगे, तो देखो ए मान लो ये पर्सन है पी और ये पर्सन है क्यू, तो क्यू का स्पीड 4 है, आप पी का 5 है, क्या बोलेंगे इसको कि क्यू के सापेक्ष पी 1 घंटे में 1 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। देखो 5 किलोमीटर एन आवर या पर आवर मतलब 1 घंटे में पी जा रहा है 5 किलोमीटर और क्यू जा रहा है 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो रिलेटिव स्पीड क्या हुआ, तो पी जो है 1 घंटे में 1 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन है क्योंकि वो भी तो 4, ये 4 जा रहा है तब ये 5 जा रहा है, थोड़ा सा ज्यादा हुआ, डिफरेंस तो 1 ही किलोमीटर का हुआ। समझ में आ रहा है, मान लो ये इसका 6 रहता और इसका 8 रहता, तो ये 6 जा रहा है तो 8 वाला भी तो थोड़ा सा ज्यादा गया, यानी 2 ही किलोमीटर ज्यादा हुआ, तो इसके सापेक्ष में कितना ज्यादा हुआ, यही सापेक्ष चाल कहलाता है। और ऐसे केस में देखते हैं कि डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, तो यहाँ पे डायरेक्शन सेम था तो सेम डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, वी वन माइनस V2। और अगर डायरेक्शन अपोजिट है, मान लो ये
दो स्टेशन है, एक है पटना और एक है दिल्ली। एक पर्सन पी से क्यू की ओर जा रहा है और दूसरा क्यू से पी की ओर जा रहा है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कब मिलेंगे, व्हेन दे विल मीट। म्यूट हो जाओ, इसका अनम्यूट है। हाँ, तो दो पर्सन है ना, एक का स्पीड अगर यहाँ पे मान लो इसका V1 है और इसका V2 है, तो देखो ये डायरेक्शन कला, ये पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना, तो बीच में कानपुर में मिले, इलाहाबाद में, जहां भी, तो कब मिलेंगे, तो इसको कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन। आप मेरी ओर आ रहे हो, मैं आपकी ओर आ रहा हूँ, ये अपोजिट डायरेक्शन। आप दोनों रेस में दौड़ रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो वो सेम डायरेक्शन। तो जहां सेम डायरेक्शन होगा तो V1 माइनस V2, और जहां अपोजिट डायरेक्शन होगा तो यहाँ पे, यानी यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, तो V1 प्लस V2 किलोमीटर पर आवर। बोलिए कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं सर। नो सर। नो सर। क्वेश्चन पढ़िए तो। और शशि क्वेश्चन को समझाइए। दो व्यक्ति ए और बी एक जगह पी से चार और पांच के स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, रिलेटिव स्पीड निकाल लेना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक चार है एक पांच है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हुआ, पांच में से चार घटा लो एक, यानी एक घंटा में एक किलोमीटर ज्यादा चला। 4 किलोमीटर। तो क्वेश्चन कर रहे, तो चार घंटे में कितना दूर चलेगा, तो 1 × 4 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। सुरभि समझ में आया? यस सर। तो हम लोग यहाँ पे लिख ले, निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू तो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जब रिलेटिव स्पीड है तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। और रिलेटिव स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड होगा बड़ा माइनस छोटा 5 - 4 और इनटू टाइम लग रहा है 4 आवर्स, दैट इज 4 किलोमीटर। नेहा क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, बना भी लिए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 33। सुरभि क्वेश्चन बताओ, ए और बी एक जगह एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी बताओ जल्दी। यस सर, लिखा है 2 men विपरीत दिशा, तो B1 प्लस B2 होगा सर। हाँ। तो 3.5 किलोमीटर प्लस 4.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर 3 आवर्स से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। चल तो क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर। 24। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, पर्सन ट्रेवल फॉर 3 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 12, 4 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 15, एट द एंड ऑफ 8 वो क्या पाता, ही फाइंड दैट ही हैज कवर्ड 4/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, एट व्हाट एवरेज स्पीड शुड ही ट्रैवल टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन 6 आवर। मोहन वर्मा क्वेश्चन समझाइए। सर बोल रहा है कि एक व्यक्ति 3 घंटा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 12 × 36, ठीक है, और दूसरा चल रहा है चार घंटे में 15 किलोमीटर प्रति, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, अंत में पाता है कि कुल दूरी 4/5 तय की गई, तो शेष दूरी 6 घंटे में तय करने के लिए औसत चाल, तो मतलब टोटल यूजुअल स्पीड उसका है 5 लेकिन वो 4 किया तो बच गया 1/5, मतलब वो 80% दूरी तय कर लिया, 20% बचा, 20% 6 घंटे में कर रहा है सर, तो 6 घंटे 20 किलोमीटर पर आवर सर। क्या 20 किलोमीटर पर आवर सर स्पीड? तो अभी पूरा बनाएंगे सर, तो पहला चल रहा है वो 36 किलोमीटर, दूसरा चल रहा है वो आपका
60 किलोमीटर तो टोटल हो गया 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर जो है वो 120 किलोमीटर हाँ सर 80% तो अभी टोटल 100% निकाल लेंगे और उसको 6 से डिवाइड कर देंगे सर तो सर गलत हो गया सर 4 किलोमीटर ही होगा हम टोटल रिमेनिंग को निकालना था आयुषी राय जी सर बहुत लेट ज्वाइन किए हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ रहा है हाँ सर क्वेश्चन तो समझ ही में आता है पता नहीं साक्षी यस सर क्वेश्चन क्लियर है सर यहाँ से क्लियर नहीं है 4/5 मतलब 4/5 तय करता है तो 4/5 मतलब ऐसे पढ़ो ना कि सर 5 में 4 वो जा चुका है तो जा चुका है मतलब 12 + 36 = 15 + 4 = 60 + 36 = 96 जा चुका है सर 4 = 96 है सर 4 = 96 तो एक बचा हुआ 1 = 24 और 24 को 6 से भाग दे दो आंसर 4 km/h आ गया सर जहां ये फ्रैक्शन कर रहा है 4/5 डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल 4/5 का अर्थ है 5 में 4 जा चुका है तो बचा कितना है 1 हम टोटल 100% भी नहीं निकालेंगे जो लोग ठीक है वन बराबर सही सोचे कि 80% गिवन तो व्हाई नॉट 20% व्हाई 100% सिंस शेष दूरी पूछ रहा है रिमेनिंग डिस्टेंस की बात कर रहा है तो हम लोग ऐसे लिख ले और ये फ्रैक्शन जो था कि 4/5 मतलब 4 मालूम है तो 5 भी अगर टोटल पूछता तब निकालते तो 4x तो वो जा चुका है तो बच गया कितना 1x यही ना दोनों मिलकर के टोटल हो जाता 5x और इसको ऐसे पढ़ेंगे 4/5 है यानी आउट टोटल इज 5 एंड ही हैज ट्रेवल 4 तो 4x इज इक्वल टू हम लोग चाहे तो ऐसे लिख ले कि 3 × 12 प्लस 4 × 15 = 96 नहीं लगाना था आपको पढ़ने के साथ प्रैक्टिस करना है जैसे बताया जाता है वैसे आप प्रैक्टिस भी किया करो और जब वीडियो मिलता हो कि वो कुछ चीज ठीक है उसमें माइंड से हट गया वीडियो जब मिल जा रहा है पता है जब कल मैंने बोल दिया था ना कि कल से वीडियो मिलेगा आप लोग स्टार्ट में क्लास के स्टार्ट में बोल देना कि ये सर रिकॉर्डिंग चाहिए तो आज कुछ लोग देखो आधे लोग गायब हैं पहले से कि अब वीडियो तो मिल ही जाएगा बाकी दिन क्या होता है कि वो पहले से इंतजार करते हैं मैं लेट रहता हूँ आज मैं इंतजार कर रहा हूँ इसलिए वीडियो आज नहीं डालूंगा हाँ सर सही ओके सर तब तो सीरियस हो गए हाँ सर अच्छा रहेगा सर अगला क्वेश्चन अगर हम अपना स्पीड बढ़ा दें तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा किसी भी काम सर, को कम लगेगा कम लगेगा सोच कम लगेगा कम लगेगा क्योंकि स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है टाइम यानी अगर स्पीड का रेशियो दिया हो किसी भी दो पर्सन का x = y तो पता है कि टाइम का रेशियो क्या होगा जल्दी बताओ y x पलट दो अब यहां क्वेश्चन okay, सर क्वेश्चन क्या कह रहा है सुरेश एवं विवेक के चाल का अनुपात स्पीड का रेशियो गिवन है तो स्पीड किसका किसका है पहला नाम सुरेश और दूसरा नाम है किसका विवेक और स्पीड का रेशियो क्या है 2:5 तो बता सकते हो कि टाइम का रेशियो क्या होगा 5:2
और किसी दूरी को तय करने में सुरेश से 2 घंटा अधिक लेता है, सुरेश 3 घंटा अधिक समय लेता है। सुरेश देख के भी लग रहा 5x है, यानी 5x माइनस 2x यानी इज इक्वल टू 3 आवर्स और 3x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू 1 आवर। क्वेश्चन कह रहा है टाइम बताओ किसका किसका, दोनों के द्वारा। तो पहला नाम है किसका, पहला नाम है सुरेश का, सुरेश सुरेश का टाइम क्या है 5x यानी 5 into 1। और दूसरा नाम किसका है, विवेक, विवेक 1 into 3 5 hours है, 2 hours। तो यानी ये पढ़ने के साथ जवाब देना था क्या कि चाल का स्पीड जहां भी जरूरत पड़े ना पलट दिया करो। चाल 2% में तो बड़ा अच्छा होता है, 3 में दिक्कत हो जाता है, एलसीएम लेना पड़ता है, 2 में बहुत अच्छा, 2.5 है स्पीड का तो टाइम का हो जाएगा 5.2। और टाइम का डिफरेंस दिया हुआ तो 5x माइनस 2 है, 3x 3 है तो x बराबर 1, तो एक का समय 5 घंटे दूसरे का 2 घंटे। समीर क्वेश्चन पढ़ के समझाइए। सर बोल रहा है एक आदमी 4/5 के यूजुअल स्पीड से ऑफिस जाता है जो कि 15 मिनट स्पीड का 4/5 से, मतलब अगर उसका स्पीड 5 था तो 4 के स्पीड से जा रहा है। यस सर ऐसे मतलब उसको ब्रेक करना सीखो सब कि वॉकिंग 4/5 था यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल स्पीड का 4/5 दैट मींस अगर उसका यूजुअल स्पीड था 5x तो अब वो 4x के स्पीड से जा रहा है, यानी स्पीड का रेशियो 5:4। आगे बढ़िए तो वो 15 मिनट लेट से पहुंचता है, फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस, मतलब उसका वास्तविक टाइम समय क्या है सर। अश्विनी बताइए कैसे सॉल्व होगा, अश्विनी सचिन इसका आंसर देख के बोल सकते हो। 15 मिनट होगा सर आंसर देख, 60 मिनट होगा। हाँ सर मेरा भी 5 मिनट आ रहा है। अच्छा बताओ क्या स्पीड, यहाँ लिख लें क्या स्पीड यूजुअल और अभी का क्या लिख ले नाउ, यूजुअल स्पीड 5 तो ये 5x तो ये 4x हो जाएगा। सब लोग जवाब दो, तो टाइम 4x और 5x हो जाएगा क्या? यस सर। और दोनों का डिफरेंस 15 मिनट है तो 1x बराबर 15 मिनट है। क्वेश्चन पूछ रहा है वास्तविक समय यूजुअल टाइम दैट इज 4x बराबर व्हाट, 4 × 15 क्लियर है? यस सर। और ऐसे ही सपोज करना जब भी 4/5 यानी पहले वाला 5 था तो अब 4 तो टाइम 4/5। कुछ लोग पता है इसको कितना अब जान के अगर इस टाइप का तो क्वेश्चन देखने के साथ कहते हैं सर 4 और 5 का अंतर कितना है, तो 4 और 5 का अंतर 1 है, मतलब पहले ही 5 में से 4 घटा लेते हैं 1 है तो सर 1 = 15 तो यूजुअल तो 4 है तो 4 = कितना 60 और वो एकदम देखने के साथ जवाब दे सर हो गया। सबों को समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। यस सर। दीप। यस सर।
दीप कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। चलो तो जब समझ में आ रहा है तो इस पर दो क्वेश्चन है और देखने के साथ सबसे पहले जवाब देना है, सबों को जवाब देना है सबसे पहले। चलो अगला क्वेश्चन, फास्ट 27 मिनट, तो 27 हो जाए। यस सर। 26 हाँ सर, 27 27 मिनट सर, 27 मिनट सर, 27 मिनट सर। 5 में से 3 तो कंप्लीट ही कर लिया, 2 को जाने में 18 मिनट और बाकी 3 को 3 से 54 मिनट सर। क्यों सर बोलिए, अब बता सकते हैं क्या इसका स्पीड? स्पीड लॉ इसका 5 यूजुअल और फाइनल। यूजुअल को क्या मान लेंगे बोलिए जल्दी, 5 तो फाइनल क्या हो जाएगा? 3। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:5 तो का डिफरेंस 2x = 18 तो यूजुअल टाइम पूछ रहा है, देख लो यूजुअल टाइम क्या लिखा हुआ है। यस सर, यानी सोचना कैसे है कि 5 में से 3 घटा दो, 3/5 है ना जी, 5 से 3 घटा दो, 2 = 18, 9 गुना है तो 3 = कितना, दिखने के साथ बोलना था, 2 9 जाता 3 9 जाता 27 हो गया। पढ़िए, दीप क्वेश्चन समझाओ। यस सर, बोल रहा है कि एक व्यक्ति पैदल जाता है और एक सेकंड रुक गया, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर, वो स्क्रीन पे आ रहा था सर, बोल रहा है क्वेश्चन में कि पैदल जाने और गाड़ी से वापस आने में 8 घंटे का समय लेता है और दोनों तरफ से अगर वो पैदल जाए, अगर दोनों तरफ से वो पैदल जाता है तो उसको 1 घंटा समय, मतलब पैदल जाने और गाड़ी से 1 घंटा अधिक लगता है, तो बोला कि गाड़ी से जाएगा तो दोनों तरफ से तो कितना समय लगेगा? रौनक बताइए कैसे बनेगा? नहीं पता सर, कोशिश कर रहे थे अभी। अरे x प्लस y गिवन है, x प्लस y गिवन है 8 आवर्स। यस सर। और करा यदि वो दोनों तरफ पैदल चले, मान लो x जो है वो पैदल है और y जो है गाड़ी है, तो x प्लस y 8 आवर्स करा, एक तरफ पैदल जा रहा है दूसरी तरफ गाड़ी से आ रहा है तो उसको 8 आवर लग रहा है, फिर कह रहा अगर दोनों तरफ पैदल चले यानी 2 बार x हो तो 1 घंटा ज्यादा लगता है, मतलब 9 आवर्स लग रहा है, क्वेश्चन ये गिवन है। जी सर। नेहा क्वेश्चन क्लियर है? जी सर। 7 आवर्स ही आएंगे सर आंसर। 7 आवर्स आएगा? हाँ सर आगे। अब तो इक्वेशन बन गया, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर 2x 2y 16, तो 2x 2x ये माइनस कर दो कट गया, तो 2 बार y 16 में से 9 घटा दो 7,
आवर्स। अब क्वेश्चन वही पूछ रहा, दोनों तरफ गाड़ी से जाए, यानी इधर भी वाई इधर भी वाई, मतलब टू वाई, तो टू वाई ही पूछ रहा था। सबों को क्लियर है? यस सर। 39 सचिन क्वेश्चन समझाओ। कृष्णा क्वेश्चन समझाइए। मेरे को सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर। यस सर। मोहन वर्मा क्वेश्चन समझाइए। सर इसमें बोल रहा है कि एक आदमी यदि बिना रुके चलता है तो एक किलोमीटर में 15 किलोमीटर चलता है, एक घंटे में 15 किलोमीटर चलता है, और वो रुक रुक के चलता है तो एक घंटे में 12 किलोमीटर चलता है, तो एक घंटे में 3 किलोमीटर रुकता है सर वो। तो अब उसको सॉल्व करेंगे तो 15 3 15 ऐसे करके, तो अभी सॉल्व किया नहीं सर, मैं ऐसे सोचा था सर। हाँ दीप बताओ। सर अभी तो बनाया नहीं है सर, अभी देख। साक्षी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और पता है पेन नहीं लगाना है, आंसर देखकर बता सकते हैं। 12 मिनट। अच्छा आप लोग बताओ, क्वेश्चन तो ये है कि अगर वो रुक रुक के चल रहा है तो उसका स्पीड कितना है? 12। और विदाउट स्टॉपेज नहीं रुकता बीच में तो स्पीड 15, यानी विद स्टॉपेज 12 और विदाउट स्टॉपेज 15। इसका अर्थ क्या समझ में आ रहा है कि सर 15 किलोमीटर में वो 15 किलोमीटर में 3 किलोमीटर रुकता है। चलो आवर्स में बदल लेते हैं, विद स्टॉपेज। और विदाउट स्टॉपेज, तो विद स्टॉपेज रुक रुक के चलता है तो उसको 15 घंटे लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? और विदाउट स्टॉपेज 12 आवर्स। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर ये क्या लिख दे रहा है, तो चलो मैं ऐसे लिख रहा हूं, स्पीड का रेशियो बता, स्पीड का रेशियो 12 और 15 था ना, तो टाइम का रेशियो 15 और 12 हो जाएगा। बोलो, ये स्पीड, ये स्टॉपेज के साथ है और ये विदाउट है, स्पीड का रेशियो। अगर रुक रुक के चल रहा तो 12 और नहीं रुकता तो 15, तो उलट दो ना, रुकने वाले को समय तो ज्यादा लगेगा ना, जो रुक रुक के चल रहा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जो नहीं रुकता समय कम लगेगा। तो स्पीड अगर 12-15 है तो टाइम 15-12 होगा, तो देख के क्या लग रहा है कि ही स्टॉप्स 15 घंटे में 3 घंटा का स्टॉप। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? 15 घंटे में 3 घंटा वो रुक रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है नहीं 1 घंटे में बताओ, तो ठीक है बता दे रहा है 3/15, ये तो आवर है, मिनट में पूछ रहा है, इंटू 60 मिनट कर दे रहा है, आंसर 12 मिनट। यस सर समझ गया। यानी एकदम पढ़ने के साथ हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। 15 है 12 है, मतलब 15 में 3। अच्छा कुछ लोग ये मत सोचना कि 12 में 3 घंटा नहीं रुक रहा है,
12 में 3 घंटा रुकता है तो 9 घंटे लगते हैं, तो 15 में वो 3 घंटा रुकता है, तो 1 घंटे में तो 3/15 मिनट में बदलना है इंटू 60, दैट इज 12 मिनट। बाद में स्पीड तो ऐसे ही पढ़ने के साथ बताएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 40 सेम क्वेश्चन है, 27 है 15 है, 27 घंटे में 12 घंटा रुकता है तो 1 घंटे में, 41, 42, 43। सर थोड़ा एक बार 40 से एक बार और दिखाए सर, मिस हो गया। 40, ये है क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, 43, 44, यही तक। अब यहां तक के सारे क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से कर लेंगे, एक नंबर से लेकर यहां तक करना, एक से लेकर 44 तक को करना, और फेयर भी बनाते जाएंगे। अगर आज तक नहीं बनाया तो बनाइए, और जब तक चैप्टर नहीं इंड हो ना, 2-3 बार बनाओ, फिर देखो ना कितना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है चैप्टर। और कोई भी एग्जाम में अगर वो एक्सरसाइज आता है, वो चैप्टर आता है, और हर एक में आता है, कोई में भी क्या, हर एक में आता है, तो वो आपको बहुत काम करेगा। थोड़ा सा रिवीजन डेली का क्या किया कीजिए, शुरू से लेकर वहां तक, ठीक है? तो